नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 12वीं में नामांकन की बढ़ी अंतिम तारीख। आगामी 6 चरणों के चुनाव के तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रदेश में इन जगहों पर लू को लेकर जारी हुआ अलर्ट। जाने कूलर से ठंडी हवा के लिए कौन सा घास है सबसे बेहतर। अब 65 साल से भी अधिक उम्र के लोग खरीद सकेंगे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। बाजार के भाव ज्यादा होने के कारण पैक्सों में गेहूं खरीद के रफ्तार में आई सुस्ती। आईपीएल का 38वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। UIDAI ने इन पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन। वैसे उम्मीदवार जो UIDAI में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के पदों पर UIDAI द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 3 पदों पर की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष रखी गई है। इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको आवेदन शुल्क नहीं देने होंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। 12वीं में नामांकन की बढ़ी अंतिम तारीख। इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 21 अप्रैल थी, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 21 अप्रैल से बढ़ाकर 26 अप्रैल आवेदन की अंतिम तारीख कर दी है। परीक्षा समिति द्वारा इस संबंध में कहा गया है कि विद्यार्थी इंटर स्तरीय संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए www.ofssbihar.org आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 26 अप्रैल तक कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी या मदद के लिए बच्चे 0612223009 पर संपर्क कर सकते हैं। डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची डाउनलोड करने के लिए ऐप की ले सकते हैं मदद। भारत निर्वाचक आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची भी डाउनलोड की जा सकती है। यदि आप भी मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढ रहे हैं या फिर डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे केदारनाथ मिश्र के बारे में। ये पेशे से कवि, लेखक और साहित्यकार थे। इनका जन्म बिहार के आरा जिले में 11 सितंबर वर्ष 1907 को हुआ था। इन्होंने कई प्रसिद्ध कृतियां लिखी जिसमें गीत संग्रह, सुभरा, श्वेत नील, कंपन, बैठो मेरे पास, कैकई, देवता की याचना आदि शामिल है। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों में ज्वाला, तप्तगिरी और राष्ट्रपुरुष आदि शामिल है। 2 अप्रैल वर्ष 1984 को ये हमें अलविदा कह गए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 42 लोगों के नामांकन हुए रद्द। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 42 नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है। जांच के दौरान 96 उम्मीदवारों में केवल 54 के नामांकन पत्र ही सही पाए गए हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में खगड़िया, अररिया, झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा में चुनाव होना है। इसमें सबसे ज्यादा नामांकन रद्द अररिया लोकसभा क्षेत्र से ही हुए हैं। यहां से कुल 29 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया था, जिसमें से 20 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं झंझारपुर से 17 लोगों ने नामांकन किया था, उसमें से 7 लोगों के नामांकन रद्द हुए हैं। इसके अलावा सुपौल में 20 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन 5 लोगों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। वहीं मधेपुरा से 15 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से 7 लोगों के नाम रद्द हुए हैं। बात करें अररिया की तो यहाँ से 15 लोगों ने नामांकन किया था, जहाँ 3 लोगों के नामांकन रद्द हुए हैं। जाने कूलर से ठंडी हवा के लिए कौन सा घास है सबसे बेहतर। तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों को गर्मी का अधिक एहसास होने लगा है। गर्मी से बचने के लिए अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली के पास कूलर होता है, लेकिन कई बार कूलर से ठंडी हवा बाहर नहीं आती है। कूलर से ठंडी हवा नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। कूलर में 2 तरह के घास डाले जाते हैं, एक वजन के हिसाब से, दूसरा खिड़कियों के हिसाब से। वजन वाले घास को लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा घास लगाने से ठंडी हवा बाहर नहीं आ पाती है। कई बार तो दुकानदार हमें पुराने घास भी थमा देते हैं। पुराने घास की वजह से आपका कूलर ठंडी हवा नहीं दे पाता है। वहीं खिड़की के साइज वाले घास परफेक्ट माने जाते हैं। इन दिनों मार्केट में हनीकॉम्ब कूलिंग पैड की भी डिमांड देखने को मिल रही है।
हनीकॉम कूलिंग पैड पानी को ज्यादा देर तक सोखने की क्षमता रखता है, इस वजह से ये देर तक ठंडी हवा देता है। बाजार में भाव ज्यादा होने के कारण पैक्सों में गेहूं खरीद की रफ्तार में आई सुस्ती। प्रदेश में अभी भी गेहूं खरीद की रफ्तार में सुस्ती देखने को मिल रही है। प्रदेश में इस बार 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक 500 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद ही हो पाई है। प्रदेश में गया और पूर्णिया जिले तो ऐसे हैं जहां अभी तक गेहूं खरीद की शुरुआत भी नहीं हुई है। वहीं किस जिलों में गेहूं की खरीद दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि 80 मीट्रिक टन के साथ रोहतास जिले में अब तक सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद देखने को मिली है। पैक्सों के मुताबिक बाजार भाव ज्यादा रहने के कारण किसान अपने गेहूं यहां नहीं बेच रहे हैं। पैक्सों में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए है, तो वहीं बाजारों में गेहूं का मूल्य 2,300 रुपए है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सरकारी अभिलेख में छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े के तहत मध्यमा परीक्षा में अनुपस्थित बच्चे को उपस्थित बताया गया, फिर उस बच्चे के दूसरे प्रमाण पत्र को भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस बात का खुलासा जांच के दौरान हुआ है। मामले को लेकर सभी कर्मियों में हलचल तेज हो गई है। बोर्ड के प्रशासक सुनील कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सेवानिवृत्त अभिलेख प्रभारी प्रमोद ओझा के विरुद्ध सचिव अमर भूषण ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सचिवालय थाना में लिखित शिकायत दे दी है। अब इस निर्णय के तहत अधिवक्ताओं को मिलेंगी कई सुविधाएं। अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ पेंशन, मेडिक्लेम और इंश्योरेंस योजना आदि को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल द्वारा बैठक की गई थी। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि मॉडल रूल में किए गए संशोधन को लेकर एक बैठक में बहुत से योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। आपको बता दें कि राज्य में 126 की संख्या में अधिवक्ता संघ है और 1.25 लाख के करीब में अधिवक्ता हैं। इस निर्णय के बाद अब प्रत्येक हाजिरी फॉर्म पर बिहार बार काउंसिल के इस कल्याणकारी योजना के तहत राज्य के निचली अदालतों से जुड़े अधिवक्ता संघों को 15 रुपए और वकालतनामा पर 40 रुपए ही देने होंगे और पहले की तरह ही प्रत्येक अधिवक्ता संघ अपने कल्याणकारी योजना को लागू रखेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी बार काउंसिल के इस नई योजना की निगरानी के लिए किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे महर्षि मेही आश्रम के बारे में। ये आश्रम बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इस आश्रम के संस्थापक सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज थे। ये आश्रम गंगा तट पर भागलपुर शहर की पूर्वी छोर पर अवस्थित है। इस आश्रम के प्रांगण में ही एक ऐसी मानव निर्मित गुफा है जिसका इतिहास महाभारत काल का बताया जाता है। धार्मिक रूप से इस आश्रम की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। आश्रम का परिसर आकर्षक फूल और पेड़ पौधे से घिरा हुआ है। इस आश्रम में बना मानव निर्मित गुफा लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहता है। यदि आप भी भागलपुर जाते हैं तो संस्थान पर भ्रमण के लिए आ सकते हैं। आगामी 6 चरणों के चुनाव की तैयारियों की हुई समीक्षा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने आगे 6 चरणों में होने वाले चुनावों को लेकर बैठक की है। इस बैठक में चुनाव क्षेत्र के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक शामिल रहे। ये बैठक पूरे 2 घंटे तक चली है। इस बैठक में आगामी चरणों के चुनाव और मतदान की तैयारी की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने सभी जिलों के DM को सभी बूथों पर बढ़ती गर्मी को देखते हुए पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही है। साथ ही धूप से बचाव को लेकर शेड लगवाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को नियम अनुसार पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। कटिहार से स्पेशल ट्रेन के परिचालन से वैष्णो देवी जाने वाले को मिलेगी सुविधा। कटिहार से स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया है। आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन का परिचालन यात्रियों की सुविधा के लिए हुआ है। साथ ही ये ट्रेन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी सहायक होगी। कटिहार रेल मंडल के ADRM विजय कुमार ने बताया है कि NF रेलवे मुख्यालय मालीगांव के निर्देश पर ट्रेन संख्या 04680 श्री माता वैष्णो देवी कटरा गुवाहाटी स्पेशल 26 अप्रैल से 28 जून तक हर शुक्रवार माता वैष्णो देवी कटरा से रात के 9:30 बजे रवाना होगी और रविवार को गुवाहाटी शाम के 7:10 पर पहुंचेगी। फिर वापसी में ट्रेन संख्या 04679 गुवाहाटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल 29 अप्रैल से 1 जुलाई तक हर सोमवार को गुवाहाटी से रात के 11:20 पर रवाना होगी और बुधवार को माता वैष्णो देवी कटरा रात के 8:45 पर पहुंचेगी।
जानिए रात में ट्रेन की रफ्तार क्यों हो जाती है तेज। आज देश के लगभग हर कोने में रेलवे अपनी पहुंच बना चुका है। रेलवे से यात्रा करने वाले देश में करोड़ों यात्री हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रेन से सफर करते वक्त दिन के मुकाबले रात में ट्रेन तेज रफ्तार में क्यों चलती है, रात में तेज ट्रेन रफ्तार क्यों पकड़ लेती है? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो आपको बता दें कि रात के समय में सिग्नल दूर से ही दिखाई देता है। सिग्नल दूर से ही दिखाई देने के कारण लोको पायलट को ट्रेन चलाने में काफी आसानी होती है। इस वजह से रात में ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है। इसके अलावा इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि रात में रेलवे ट्रैक पर लोगों की आवाजाही ना के बराबर होती है। साथ ही रेलवे ट्रैक पर कोई भी मेंटेनेंस कार्य नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से रात में ट्रेन तेज रफ्तार में चलती है। रात में ट्रेन की रफ्तार तेज क्यों हो जाती है, इसके बारे में क्या आपको पहले से पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्नातक पार्ट थ्री की परीक्षा होगी शुरू। आज से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्नातक पार्ट थ्री की परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा को लेकर पटना सहित बाढ़ और नालंदा में कुल 63 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा में शामिल हुए बच्चों को वीक्षक बताएंगे कि उत्तर पुस्तिका में किन किन चीजों को भरना है। परीक्षा को लेकर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम में लाया जाएगा। फिर परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले केंद्राध्यक्षक पर्यवेक्षक वीक्षकों की मौजूदगी में सील खोले जाएंगे। फिर इसे परीक्षा कक्ष में वितरण के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में इन जगहों पर लू को लेकर जारी हुआ अलर्ट। अधिक गर्मी होने के कारण पटना हॉट वेदर जोन में जा चुका है। तेज पछुआ हवा चलने के कारण लू वाली हवा का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। पटना का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बांका, शेखपुरा, भागलपुर, मधुबनी, जमुई, सुपौल, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और प्रदेश के दक्षिण भाग और उत्तर पश्चिम भाग में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री, कुछ जगहों पर 40 से 42 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। अब 65 साल से भी अधिक उम्र के लोग खरीद सकेंगे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर से आयु सीमा को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले 65 साल तक के उम्र के लोग ही नई बीमा पॉलिसी खरीद सकते थे, लेकिन IRDAI के इस फैसले से अब 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी नया बीमा खरीद सकेंगे। IRDAI ने एक अधिसूचना के जरिए कहा है कि बीमा देने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आयु समूहों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट पेश करें। IIT JEE एडवांस की बढ़ गई रजिस्ट्रेशन की तारीख। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 21 अप्रैल से शुरू होने वाले JEE एडवांस्ड 2024 के रजिस्ट्रेशन की तारीख को स्थगित कर दिया है। अब ये प्रोसेस 21 अप्रैल की जगह 27 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। जिन भी बच्चों ने JEE मेन की परीक्षा पास की थी वे इसके आधिकारिक वेबसाइट JEE ADV.ac.in पर जाकर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि जिन भी बच्चों की JEE मेन में रैंक 2,50,000 से ऊपर आए थे वहीं IIT JEE एडवांस के लिए आवेदन कर सकेंगे। IIT कॉलेज में बच्चों का एडमिशन JEE एडवांस्ड के स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा। बिहार दौरे पर कटिहार आए अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना। बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने कटिहार में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पहले कांग्रेस का राज, फिर 15 साल पति पत्नी का राज। आगे अमित शाह ने कहा कि भाजपा के साथ मेरा साथ 1995 से है। अब बिहार में सिर्फ काम हो रहा है। वही कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बताएं कश्मीर हमारा है या नहीं। देश की जनता को ये तय करना है कि पीएम किसको रखना है। हर जगह लोग मोदी जी को जिताना चाहते हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लेकर दिया बयान। मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर कहा है कि समय आने पर वो एक किताब लिखेंगे और सब कुछ समझाएंगे। आगे उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा किए गए व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर कहा कि स्थिति अब ये हो चुकी है कि 4-5 लोगों ने हमारे चाचा यानी नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और समय आने पर मैं किताब लिखूंगा, इन सभी चीजों को समझाऊंगा। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है। कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम किए फाइनल। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं।
मीडिया में चली खबरों में से पता चला है कि बिहार में कांग्रेस ने महाराजगंज लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को पटना साहिब सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बेतिया से मदन मोहन तिवारी का नाम सामने आया है। समस्तीपुर से सन्नी हजारे उम्मीदवार बने हैं। सासाराम से विश्वनाथ राम को उम्मीदवार बनाया गया है और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने चुना है। बता दें कि बिहार में कांग्रेस को 40 में से 9 सीटें मिली थी, जिसमें से केवल भागलपुर, कटिहार और किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। हालांकि बची हुई 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। पूर्वी चंपारण में वीआईपी उम्मीदवार के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज हुआ मामला। अभी हाल में ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पूर्वी चंपारण में मोतिहारी सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी। अब मोतिहारी सीट से वीआईपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। बता दें कि वीआईपी के उम्मीदवार पर ये प्राथमिकी मजिस्ट्रेट के आवेदन पर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मोतिहारी से अपनी उम्मीदवारी पक्की होने के बाद डॉक्टर राजेश कुशवाहा मोतिहारी आए थे, लेकिन इसी बीच उनके स्वागत के लिए कई समर्थक पहुंच गए, जिस वजह से भीड़ लग गई। अरेराज पहुंचने तक ये भीड़ जुलूस में बदल गई, जिसके बाद बिना अनुमति के इतने लोगों के साथ जुलूस को लेकर चलने पर मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर चकिया एसडीओ ने बताया है कि वीआईपी उम्मीदवार ने बिना परमिशन के भीड़ को इकट्ठा किया और जुलूस निकाला। आईपीएल का 38वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। आईपीएल 2024 का 38वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच देखने को मिलने वाला है। बता दें कि राजस्थान ने अब तक 7 मैचों में 6 मैच अपने नाम करके पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। वहीं मुंबई इंडियंस ने अब तक केवल 3 मैच ही अपने नाम किए हैं। अब दोनों ही टीम के बीच का ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में देखने को मिलेगा। बता दें कि इस पिच में बल्लेबाजों का दबदबा रहता है। अब देखना है कि राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस दोनों में से कौन अपनी शानदार पारी खेल पाती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन यानी 22 अप्रैल वर्ष 1921 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की सेवा के लिए भारतीय सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। आज के दिन वर्ष 1958 में एडमिरल आरडी कटारी भारतीय नौसेना के पहले प्रमुख बने थे। आज के दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 2021 में युवा विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची भारत की सभी 7 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता था। आज के दिन वर्ष 1914 में हिंदी फिल्म निर्माता और निर्देशक बीआर चोपड़ा का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1916 में भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1932 में स्वामी सच्चिदानंद का जन्म हुआ था, जो कि एक समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक थे। आज के दिन वर्ष 1974 में मशहूर उपन्यास लेखक चेतन भगत का जन्म हुआ था। आईफोन की तरह एंड्रॉइड फोन भी पहले से ज्यादा होगा सुरक्षित। एप्पल के आईफोन को सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अब एंड्रॉइड फोन में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम गूगल लॉन्च करने वाला है, जिससे कोई भी एंड्रॉइड यूजर के फोन में सेंधमारी नहीं कर पाएगा। दरअसल गूगल जल्द ही एंड्रॉइड 15 अपडेट देने वाला है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 बीटा अपडेट में एंड्रॉइड स्मार्टफोन में पहले से बेहतर सिक्योरिटी मिलेंगे, साथ ही प्ले स्टोर को भी पहले से ज्यादा सुरक्षित किया जाएगा। इससे फर्जी एप्स के चक्कर में लोग आने से बच पाएंगे। एंड्रॉइड 15 में अपडेट से स्मार्टफोन को नया एंटीवायरस अपडेट मिलने से एंड्रॉइड फोन पहले से और भी सुरक्षित हो जाएगा। 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में हुई वृद्धि। मार्च 2024 को वित्त वर्ष समाप्ति के बाद सालाना आधार पर भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7% से बढ़कर 19.58 करोड़ रुपए हो चुका है। इस संबंध में कर विभाग ने कहा है कि ये राशि संशोधित अनुमानों से काफी अधिक है। आयकर और कॉरपोरेट कर संग्रह 2023-24 के दौरान बजट अनुमानों से 1.35 लाख करोड़ रुपए और संशोधित अनुमानों से 13,000 करोड़ रुपए अधिक थे। इनकी प्रत्यक्ष कर संग्रह में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। वहीं सीबीटी ने एक बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 3.79 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी 1950।
इसका सही उत्तर है 1950। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध। इसका सही उत्तर है हीराकुंड बांध। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए है गंडकी, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गंगा। इसका सही उत्तर है गंगा। बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन बी है सतीश प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी है हरिहर सिंह, ऑप्शन डी है जीतना मांझी। इसका सही उत्तर है भोला पासवान शास्त्री। बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए है सतीश प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी है जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन सी है राजीव रंजन प्रसाद, ऑप्शन डी है अब्दुल गफूर। इसका सही उत्तर है राजीव रंजन प्रसाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है विकास दास, उमेश रेसीदेव, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, जयप्रकाश चौधरी, कुंदन कुमार, पंकज कुमार दास, चंचल झा, कृष्णा प्रसाद, राजेश मांझी, अक्रम सोनू, पवन सिंह, संतोष कुमार, सूरज कुमार, अबुलैस खान, सालू कुमारी, बिरबल कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है गर्मी से राहत पाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।